दिल्ली कैपिटल फैंस के लिए काफी बड़ी खबर इस समय निकल के आई है, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स को लग चुके हैं दो बड़े झटके। और जो उनका अगला मैच है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, वहां पे उनके लिए काफी बड़ा रिस्क है। वानखेड़े स्टेडियम में जब ये मैच खेला जाएगा तो हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिचुएशन इस आईपीएल में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। अभी तक टाटा आईपीएल के 2024 के सीजन में दिल्ली ने चार में से सिर्फ एक ही मैच जीता है और पॉइंट टेबल पे दिल्ली कैपिटल्स इस समय नंबर 9 पे है। और जो परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक काफी ज्यादा बिलो पार रही है, बिलो एवरेज रही है। और अब बड़ी अपडेट यह है कि शायद ऋषभ पंत को लग सकता है बैन, कुलदीप यादव भी बाहर हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्रिकेट इंजींस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2024 इस समय प्रॉपर पीक पे है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग क्रिकेट हमें देखने को मिला है। इसी बीच जो है फैंस के लिए काफी बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ऋषभ पंत को लग सकता है बैन। अब बात करेंगे यार कि बैन क्यों लगेगा, इतना बड़ा खिलाड़ी अभी कमबैक हुआ और अब बैन की बात कैसे आ रही है। सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली के अभी तक चार मुकाबले हुए ना, उसमें से दो मैचों में दिल्ली ने स्लो रेट के चलते जो है उन्हें फाइन किया गया बीसीसीआई के द्वारा। और जो ऋषभ पंत कैप्टन है, 24 लाख का जो फाइन था उनके ऊपर पिछले दो मैचेस में आ चुका है। अब जो आईपीएल का कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल्स है, रूल बुक ये कहते हैं कि अगर किसी भी टीम के ऊपर तीन बार स्लो ओवर रेट का जो लगता है बैन या फाइन, अगर आपको तीन बार वो एक बार ऑफेंस हो जाता है तो आपको एक मैच का बैन लगता है उस टीम के कप्तान को। क्योंकि कप्तान जो है गेम चलाता है, कप्तान के हाथ में होता है कि किस बॉलर को कब गेंदबाजी करानी है, कब डिसीजन लेना है, कब डीआरएस लेना है, तो वो सारा जो टाइम फ्रेम है वो काउंट कैप्टन के हिस्से में जाता है। और T20 क्रिकेट को बीसीसीआई और स्पेशली आईसीसी जो है चाहते हैं कि जितना जल्दी मैच खत्म हो उतना ज्यादा, छोटा मैच है उतना ज्यादा फैंस के लिए फायदा रहेगा, काफी ज्यादा एक्साइटिंग गेम ऑफ क्रिकेट बनेगा। और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो लोगों का जो इंटरेस्ट है गेम से वो दूर जाएगा। तो रूल्स बुक के हिसाब से तो ऋषभ पंत पे दो ऑफेंस आ चुके हैं कैप्टन, 24 लाख के, 24 लाख का जो फाइन है एक बार स्लो ओवर रेट पे है। अभी स्लो ओवर रेट हुआ कब, ये स्लो ओवर रेट हुआ केकेआर की वजह से वाइजैक में, जब दिल्ली का आखिरी मुकाबला खेला गया था अगेंस्ट केकेआर एट वाइजैक, उस मैच में जो है केकेआर ने उन्हें 17 छक्के मारे थे, यानी 17 सिक्स। अब जब इतनी बाउंड्रीज, इतनी सिक्स रेटिंग होती है ना एक मैच में, तो वहां पे ऑब्वियसली बॉलर को भी टाइम चाहिए, बॉल स्टैंड में गई है फिर वो वहां से वापस आएगी और अगली गेंद डलेगी, तो बहुत ज्यादा प्लानिंग भी होती है। कई बार जो है कैप्टन कोशिश करते हैं कि बॉलर से बात करें, तो इस प्रोसेस में जो टाइम होता है एक इनिंग को कंप्लीट करने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एज ऑफ नाउ जो रूल है वो है 1 घंटा 45-50 मिनट के अंदर जो है आपको 20 ओवर डालने होते हैं। लेकिन अब जो है सिचुएशन ऐसी है, दिल्ली के पिछले दोनों मैचों में वो 3-3, 4-4 ओवर पीछे थे स्लो रेट में। अगर ये चीज मुंबई के खिलाफ वानखेड़े में हुई तो ऋषभ पंत का कंफर्म है कि वो एक मैच के लिए आईपीएल में बैन हो जाएंगे। अब आप कहेंगे चलो ये चीज तो कंट्रोलेबल है, अगले मैच में अच्छा कर लेंगे। अगला झटका क्या है, अगला झटका यह है कि दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच है वानखेड़े में मुंबई से, उस मैच से ग्रोइन इंजरी की वजह से कुलदीप यादव हो चुके हैं बाहर। और दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें जो है एक मैच का प्रिकॉशनरी रेस्ट दिया जाएगा, वो इतनी सीरियस इंजरी नहीं है, उन्हें जस्ट 2-4 दिन का रेस्ट चाहिए और उसके बाद जो है वो अगले मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मैच में आपको नहीं दिखने वाले हैं कुलदीप यादव। और अगर उस मैच में ऋषभ पंत ने कप्तानी में टाइम लगाया और जो वो स्लो रेट का सिनेरियो दोबारा बना, तो वहां पर ऋषभ पंत पे भी बैन लग जाएगा एक मैच का। तो काफी ज्यादा सिचुएशन जो है बद से बदतर हो चुकी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ऑलरेडी टेबल पे नंबर 9 पे और अगला मैच अगर जीते हैं हारे, स्लो रेट अलग से उन्हें परेशान करने वाला है। अब देखने वाली चीज रहेगी कि किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स कोप अप करती है, उस टूर्नामेंट में आगे जाती है। आप लोग दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एक और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक।